फिफ्थ में लिखा है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज, वही सेम चीज है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में एफ एक्स हमारे पास है कितना, 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस का 7, ऐसा दे रखा है। क्या 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस का 7, ठीक है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एफ डैश एक्स कर लेते हैं। तो 2x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 3x² का 2x और ये 36, x का 1 होता है 7 का 0, तो ये आ गया 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन मिल रहा है तो x² माइनस x माइनस का 6 आ गया, ये एफ डैश एक्स हमारा ये आया, ठीक है। फैक्टर अगर हो रहे हैं तो कर लेने हैं, तो कर लेते हैं फैक्टर। तो 6 ब्रैकेट x² माइनस 3x प्लस 3 2 जो 6 होता है, तो यहां पे x कॉमन लिया तो x माइनस 3, यहां 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो यहां पे 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 एफ डैश एक्स। अब आपको अगर ए पार्ट करना है, ए पार्ट मतलब इंक्रीजिंग देखना है कि भाई इंक्रीजिंग कहां कहां है, तो ए पार्ट में आप क्या कर दो, एफ डैश एक्स को कर दो ग्रेटर देन 0 और यहां से x निकाल लो। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 6 टाइम्स x प्लस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब याद करो कि अगर इंक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल पता करना है, ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी हो गई, इसीलिए मैंने शुरुआत में लेक्चर में ये सिखा दिया था। कैसे सिखाया था मैंने, फिर से बताओ, देखो एक नंबर लाइन बनाना है, देखो 6 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका कोई रोल नहीं है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में, ठीक है। हमें फैक्टर देखने, x प्लस 2 को 0 करा माइंड में तो माइनस 2 आएगा, x को अगर x माइनस 3 को 0 करा तो x 3 आएगा, फिर कैसे सिखाया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा इंक्रीजिंग कहां कहां आएगा, इंक्रीज ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्रेटर देन 0 कहां कहां होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, बीच में यूनियन और 3 से इनफाइनाइट, ये आंसर आ गया। और अगर बी पार्ट की बात करूं, यानी डिक्रीजिंग की बात करूं, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी इसी वाली चीज को, यानी एफ डैश एक्स जो 6 टाइम्स एक्स माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 है, ये लेस देन 0 है। आपको अलग से फिर से नंबर लाइन बनानी जरूरत नहीं, आपको पता है कि नंबर लाइन तो सेम बनती है, ठीक है, बस यहां पे इस बार लेस देन 0, लेस देन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, तो कहां से कहां तक है, माइनस 2 से 3 है, तो डिक्रीजिंग का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2 से 3, तो यही आ रहा होगा माइनस 2 से 3, और ठीक है, आया सबको समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। आपको इनइक्वालिटी थोड़ा सा आइडिया हो तो आप आराम से बता सकते हो इंक्रीजिंग कहां है और डिक्रीजिंग कहां, किस इंटरवल में है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो